हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं भूगोल के 25 प्लस ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइए और अपना स्कोर भी बताइएगा कि 25 में से आप कितने सही कर पाते हैं। और अगर आप चाहते हैं इससे पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं उन्हें देखना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया मैंने प्लेलिस्ट का। सारी वीडियोज़ एक जगह मैंने कलेक्ट करके एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी वीडियो अपलोड होती है, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास डेली मैथ, रीजनिंग और ऑनलाइन टेस्ट की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक किया करें और अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड सर्कल में, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर किया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे, उस 5 से 6 सेकंड में आपको उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहां पे पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिण भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है। बस आपको इतना बताना है हर एक क्वेश्चन में कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा राइट है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्डमम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। टू का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघालय में। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, खेबर दर्रा कहाँ स्थित है। तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो सभी को पता होगा, बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक का आंसर आना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में। पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 6, नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, झेलम। क्वेश्चन नंबर 8, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी पूछा जाता है भाई। एट का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिप्रा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेथान बाल पहाड़िया एवं तेलिया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बराबर नदी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की प्रसिद्ध लेंगूर झील है, बहुत बार पूछा जाता है ये भी। तो 10वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोनार झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। यहाँ पे जिला होगा भाई, किस जिले में स्थित है। 11वें का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नवेदा में। क्वेश्चन नंबर 12, काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ताप्ती नदी। दोस्तों अगर टेस्ट पसंद आ रहा है तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है। तो राइट आंसर 13 का हो जाएगा सी, गुजरात में।
क्वेश्चन नंबर 14, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो इनमें से कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा कोई भी कारण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, अरबी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी बहुत बार आता है भाई एग्जाम में, और 16वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नागपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पतझड़। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो ये ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में जो है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है, सॉरी हुआ है? तो सभी को पता होना चाहिए, ये भी बहुत बार आता है क्वेश्चन। तो ए राइट आंसर हो जाएगा 19 का, काली मिट्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, अधिकता मात्रा होती है? तो इसका भी राइट आंसर आपका काली मिट्टी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, तारापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोहा अयस्क किस प्रकार का है? तो 23 का राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, कहाँ पे है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेरोनी में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो राइट आंसर 25 का ए हो जाएगा, नीगिरी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पीटरबर्ग किसे कहा जाता है? का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जमशेदपुर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए 27वें का राइट आंसर जरूर बताइएगा, जो भी आपका राइट आंसर रहे, और राइट आंसर वैसे डी हो जाएगा इसका, मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मुंडा कहाँ की जनजाति है? तो मुंडा भी कई बार पूछा जाता है भाई, मुंडा कहाँ की जनजाति है? तो ये झारखंड की जनजाति है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के टेस्ट में थे यही 28 क्वेश्चन। सभी 28 क्वेश्चन के आंसर इस पीडीएफ में है। पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड